बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र के पंजाब और हरियाणा की सीमा पर लगे वैरियर्स पर स्थानीय लोगों के एंट्री को लेकर दून ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी के नेतृत्व में आंशिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार को 4 दिन का समय दिया कि इन वैरियर्स पर स्थानीय लोगों के आई कार्ड के आधार पर उन्हें एंट्री मिले। अगर सरकार स्थानीय लोगों की समस्या का हल नहीं करती तो आंशिक प्रदर्शन को आमरण अनशन में परिवर्तित करने की बात कही। इस मौके पर रामकुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों को खासी परेशानी हो रही है। स्थानीय विधायक 6 माह बीत जाने के बाद भी लोगों की परेशानी को दूर नहीं कर सके हैं। इन्हें से ऊपर हो गया, लेकिन बीबीएन में जहां इंडस्ट्री है, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को जाता है, वहां पे अभी भी लोग जो है वो लॉकडाउन और बैरियर्स की बंदी का सामना कर रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि बीबीएन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सभी रास्ते जो हैं उनके लिए बैरिकेड्स हटा के बैरियर्स को जो है वो ओपन किया जाए तुरंत प्रभाव से। अदरवाइज जो है अगर ये काम 2-3 दिन में नहीं हुआ तो 3-4 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी SDM कार्यालय के बाहर जो है वो अनशन पे बैठेगी, चेन अनशन पे बैठेगी। लोग दुखी हो चुके हैं, कोरोना काल में सरकार ने जो है बीमारी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी लोगों की समस्या का समाधान करवाने के लिए जो है वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है, और आगे भी अगर कोई समस्या लोगों की रही तो हम लोग इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।